नहीं बढ़िया मुझे बढ़िया, जाना है तो जाना है, नहीं अच्छी बात है, जो मतलब होगा वो होगा, सही बात है। लेके जाएगा। उधर तक तो मेरी भी हिम्मत टूट गई थी, मैंने कहा यार अभी और 2000 सीढ़ियां हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं जो होगा देखा जाएगा, चल तू। फिर मैं चल गया, मैंने कोई भी बात वो नहीं। सकिया, लेके जाने वाला ऊपर बैठा हाँ हुआ है वो ज्यादा ही वो ऊपर बैठा लोग। है, हाँ इतने ऊपर नहीं बैठना चाहिए। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी मैं रेडी होके खाना वगैरह खा के अपना डन हो चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ गिरनार पर्वत पे चढ़ने के लिए, दर्शन करने के लिए। ठीक है तो चलो मेरे साथ, अब भाई पैदल ही जाऊँगा, 10,000 स्टेप पैदल ही चढ़ूंगा, है ना। मैं सोच रहा हूँ पानी की बोतल एक रख लूँ अपने साथ, क्योंकि ज़रूरी है। और भाई ये ना छोटा बैग अपने साथ रख रहा हूँ मैं, ये वाला पड़ सकती है ज़रूरत पानी की भी, और बैग एक होना चाहिए साथ में। अब चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं। ये बंद कर देता हूँ यार, है ना, तो इतनी हीट मार रहा है ना बाहर से, इतनी हीट है। चलो भाई सब अच्छा हो, दुआ करना। ये लाइट ना मेरे फोन की फ्लैश आ रही है। इस होटल में यही लिफ्ट है एक। भाई नीचे भी भाई लोगों से पूछा है, भाई लोग बोल रहे हैं कि वहाँ तो पानी अलाउड ही नहीं है, तो मैंने तो बोतल चौड़े हो गए उठा ली, कह रहे वहाँ पे प्लास्टिक बोतल बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो फिर आना जाना प्यास लगेगी तो क्या करेंगे। चलो भाई देखते हैं क्या करेंगे फिर अगर। चलो भैया आ गए थे भैया, इधर ही होटल के बाहर ही, कह रहे कितना गिरनार तक जाना है, मैंने कहा नीचे सीढ़ियों तक उतार देना, ठीक है ना। अब तो धूप इतनी हो गई है ना, पैदल जाऊँगा देखता हूँ। वहाँ कह रहे पानी भी नहीं अलाउड ना, पानी अलाउड है मतलब प्लास्टिक की बोतल में अलाउड नहीं है। लो भाई पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं अभी, जय गो माता। लो भाई पहुँच गया। लोगों का तो इंसानों के साथ होता है, सामने इधर जाए कहाँ जाए, दोनों आपस में काउंटर हो जाता है। जब मेरा कुत्तों के साथ होता है, बता कुत्ता आ गया सामने इधर जाए वो जाए, ऐसे घूर रहा था मेरे को, कह रहा भाई मैं तो कुत्ता हूँ तू बंदा ही है ना तू। चलो भाई पहुंच गए, अभी पीछे से पता लगा हमें कि रोप वे जाता है 5000 तक, मेरे को लगा ऊपर तक ही जाता है रोप वे, तो रोप वे का भी मजा लेते हैं, उसके 5000 स्टेप चढ़ के फिर उतर भी जाएंगे, 10,000 स्टेप हो जाएंगे पूरे, वहाँ से वापस भी आ जाएंगे। भैया रोप वे कहाँ है, रोप वे आगे, अच्छा वो रहा देखो रोप वे। दोनों का फील दिखाऊंगा आपको मैं, पहले मेरे को लगा था पूरा ऊपर तक ही जाता है, मैंने कहा फिर तो यार चढ़ाई होगी नहीं अपनी, लेकिन नहीं फुल ऊपर नहीं जाता, आधा ही जाता है। और टिकट वगैरह पूछते हैं कितने की है, क्या सीन है भाई, नाम रखा हुआ है इसका वुडन खटोला, वो देखो लिखा हुआ आई लव वुडन खटोला। भाई यहाँ तो रूल ही बहुत ज़्यादा है, कह रहे हैं सेल्फी स्टिक नहीं जाएगी और ये स्टैंड भी नहीं जाएगा, कह रहे जाना हो तो जाओ नहीं तो ना जाओ। अब यार स्टिक तो यार जाना, अब मैं फिर फ़ोन कैसे पकड़ूंगा यार बताओ, सीन नहीं समझ आ रहा। पैदल चलेंगे भाई, ये रख के नहीं जा सकता मैं गिम्बल, क्योंकि गिम्बल ही सहारा है मेरा इसका फ़ोन का। चलो भाई पैदल चलते हैं, मेरे को लग रहा है रोपवे में जाना था ही नहीं नसीब में। भैया पैदल का रास्ता वहाँ से है सीढ़ियों से, यहाँ से निकल जाऊँ। चलो भाई पैदल चलते हैं अब, क्योंकि यार ये रख के जाऊँगा तो फिर ब्लॉग कैसे करूँगा, उधर साइड में मेरा रिसीवर लगा हुआ है, ये माइक लगा हुआ है, फ़ोन पकड़ ही नहीं पाऊँगा। तो चलो ये चीज़ तो आपको इंजॉय नहीं करवा सकता मैं, उनका दिक्कत पता है क्या है कि आप हाथ बाहर निकाल के ऐसे करोगे, वो इसलिए सेल्फी स्टिक समझते हैं, इसको नहीं लेके जाने देते। देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पैदल का रास्ता, पहले मैंने पैदल ही सोचा था और मैंने कहा चलो रोप वे का हाफ रास्ता है वो भी आपको दिखा दूंगा रोप वे कैसा दिखता है। तो बस यहाँ से पैदल चढ़ाई ऊपर तक है पर्वत की, एंट्री यही है भैया, वो तो मेरे को पहले ही निकाल लिया रोप वे में, वहाँ ये नहीं रखने दे रहे थे तो मैं यहाँ से आया। जय बजरंग बली, हिम्मत देना चढ़ने की। भाई अभी चढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, अभी उधर सीढ़ियाँ ही हैं। अरे भैया आगे है ना, इधर से जाना है, मोरमुर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ का एक चीज़ का फ़ायदा है, यहाँ पे आपको इक्का दुक्का लोग मिलेंगे, जैसे मैं हूँ, मेरे पीछे दो बंदे हैं, आगे चलते हुए बहुत कम बंदे मिलेंगे, क्योंकि रोप वे जब से स्टार्ट हुए ना तब से बहुत कम बंदे जाते हैं। भाई मैंने अभी यहाँ से ना मज़ा उठा लिया है, मैंने कहा मैं ले लूँ मज़ा, थैंक यू भैया, थोड़ी सी ऊपर ही हूँ मैं अभी, और ये रेट यहाँ पे लगा है 15 रुपये की एक माता, वो 10 रुपये की मिलती है बट 15 रुपये की है यहाँ पे, मैंने रख लिया भाई चंद रस्ते में प्यास लगे या ऐसा कुछ लगे ना सेटिंग रहेगी। चलो भाई चलते हैं, 10,000 सीढ़ियाँ हिम्मत करके जाना पड़ेगा। देखो भाई थोड़ी सी ऊपर आया हूँ मैं, ऐसे सीढ़ियाँ लिखा भी हुआ कितनी सीढ़ियाँ हुई हैं, कोई नहीं आ रहा सीढ़ियों से, बीच में लंगूर बैठे हुए हैं। आंटी ये फोन तो नहीं छीनते, लंगूर अच्छा ये नहीं लेते ना कहीं छीन लें, इसलिए ना पूछा। लंगूर ने मुँह फेर लिया मुझसे, कह रहे हैं इनकी कभी भी आँखों में नहीं देखना चाहिए भाई, कभी भी नहीं, शेर की देख सकते हो इसकी नहीं देखनी, ये तो ग्रुप बन के अटैक कर देते हैं। लंगूर भी आराम से बैठे हैं,
यहाँ तक कितनी सीढ़ियाँ होगी? 300 ही हुई हैं बस। बस अब ना मैं सीढ़ियों पे ध्यान ही नहीं देना, चलता रहूँगा ऊपर तक। पहाड़ तो गायब भी हो गया बोरा वहाँ तक। लंगूर भी देखो छाया में बैठे हैं। देखो भाई वो जा रहे हैं रोप पे। मैं रुका हूँ पानी देने के लिए। अच्छा ये वाला पानी है कितने का? 60 रुपया भाई, 60 रुपये का पानी। अच्छा इसको बैग में रख के लेके जा सकते हैं? अच्छा ये वाला, ये पानी है भाई 60 रुपये का। यहाँ पे आपको कहीं प्लास्टिक दिखेगा ही नहीं यार। तभी ऐसी बोटल्स मिलती है पानी की भी जो रिसाइकिल हो जाती हैं। कहीं प्लास्टिक नहीं है, किसी दुकान पे प्लास्टिक नहीं है। भाई ने मेरे को अपनी स्टिक दे दी है भैया, कह रहे मेरा तो हो गया। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके थैंक यू। चलो भैया चलते हैं। हम भी बैठे थे भाई, लोग बात करने लग गए, कह रहे थोड़ी सपोर्ट देंगे। ये भी सही है भाई, बैठना नहीं है कहीं, बैठ के दिक्कत हो जाती है। मैं भी बैठा ही था 2-4 मिनट के लिए पानी पीने के लिए वहीं पर, वहीं पर भैया आए। ये अभी 4000 स्टेप ही जाके आए थे नेमिनाथ जी के टेम्पल वहाँ पे, लेकिन अपने को तो ऊपर जाना है। कह रहे बहुत गलत टाइम पे चढ़े हो भैया आप, कह रहे जब सूरज बिल्कुल सिर पे आएगा ना चढ़ नहीं पाओगे। अपने भी साइड पर देखते हैं। देखो भाई वेट उठा के लेके आ रहा था, उसके ऊपर कूद गए, वो गिर गया भाई पीछे। सुबह जाते तो कहते दिखते नहीं है ये, कैसे लेते हैं देखो। मेरे पास से निकले और वो छीनते हैं ये भाई, भीड़ ही कर दी इधर तो। खाने के लिए सामान तो टूट के आते हैं वो, इधर देख ले जा रहे हो भाई। मेरी शक्ल इतनी खतरनाक लग रही है क्या? जो ये बंदा एक दुकान वाला बोल रहा था, कह रहा रोपवे में चले जाते, इतना बुरा हाल करवा रखा है। मैं ऐसे कर चढ़ा था क्या? हाय हाय, कह रहा भाई रोपवे में चले जाते। मैंने कहा भाई वो छोड़ तू, ऐसे ही है शक्ल ही ऐसी है। देखो भाई अभी चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और आप रोपवे देखो कितनी हाइट पे, वो राव देखो दिख रहा है आपको, वो जा रहा है रोपवे। और वहाँ तक जहाँ तक वो जा रहा है ना, वहाँ तक 5000 सीढ़ियाँ हैं, और उसके बाद और 5000 हैं, एक कम सीढ़ी है। 2000 सीढ़ी के बाद ना लंगूर यहाँ तक नहीं पहुँचते। यहाँ पे अब लंगूर नहीं है, नीचे नीचे थे लंगूर जितने भी थे। एक दो ने मेरे ऊपर जंप कर दी थी, आपस में लड़ रहे थे, कहते कुछ नहीं है, जंप कर दी थी। मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन अब ठीक है। अब मैं बैठूँगा नहीं, क्योंकि बैठूँगा तो काम ख़राब हो जाएगा। खड़ के थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, और यार फ़ोन भी बहुत गर्म हो रखा है। अरे भाई सारे लोग जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब आते हुए दिख रहे हैं, जाता हुआ दिख रहा। मैंने निम्पा ने पीने लगा था, मैंने कहा थोड़ा सा पी लूँ, जान सी आ जाएगी शरीर में। यहाँ पे ये वाली बोतल 80 रुपये की है, और ऊपर जाएंगे 100 रुपये की है, नीचे मैंने 60 रुपये की ली थी। देखो सच बताऊँ, अब 2500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ना शरीर टांगे सुन्न हो चुकी हैं। मैं बैठा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने अभी नींबू पानी पिया, शरीर को 2 गिलास नींबू पानी लग गए हैं। एक बोतल लग चुकी है, दूसरी बोतल लूँगा आगे जाके। जितनी बोतल लगी है वो भी बताऊंगा आपको, शरीर को कितनी बोतल लगी है 10000 चढ़ते और उतरने में। रिदम एक ही रख के चलूँगा मैं, ताकि थकूँ ना। देखो थकान तो दिमाग का है, थकूँगा तो वहीं, लेकिन दिमाग पे नहीं आती होने देना। मेरे को तो ऊपर जाना है बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर जाऊँगा। जा सकता हूँ ना? जा सकते हो आंटी? कह जा सकते हैं ना। पता 10000 स्टेप चलना और 10000 सीढ़ी चढ़ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखो भाई इतनी हाइट पे आ गए हैं, नीचे सब छोटा छोटा दिख रहा है, पूरा शहर दिख रहा है नीचे। जय है। अब खड़ी चढ़ाई है पूरी। बहुत हाइट पे आ चुका हूँ, ये दुकान है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी भाई पता कितने का है? 20 रुपये का एक लोटा, मतलब एक गड़बी आती है उसमें 7-8 घुट होंगे मुश्किल से पानी के। जितनी हाइट पे बढ़ोगे ना उतना ही ज़्यादा वो होगा। वो देखो सारा का सारा शहर दिख रहा है,
और अब ये वाली चढ़ाई देखो, असली तो दिख रही है अब आपको चढ़ाई, देखो खड़ी चढ़ाई है सारी। चलो भाई, लेकिन मैं ना फास्ट नहीं चल रहा हूँ, रिदम में एक ही रिदम रखी हुई है मैंने। सही कहते हैं बंदा, यहाँ पे ना दिन में कोई चढ़ता नहीं है क्योंकि धूप बिल्कुल सर पे आई, तो टोपी ने बचा रखा है मेरी, नहीं तो हो जाता काम अभी तक। पानी मुझे खुद को पता लग रहा है कि मेरी बॉडी से ऐसे निकल रहा है ना पानी, पीछे एक बंदा नहीं है मेरे, मेरी बॉडी से ऐसे निकल रहा है ना पानी। बस दिल कर रहा है ऊपर जाके ना पानी पी लूँ पहले, ज़्यादा नहीं तो एक लीटर तो पी जाऊँ। और यहाँ पे आके पानी भी और भी महंगा हो गया पानी। देख रहा हूँ नीचे प्लास्टिक की बॉटल्स कितनी गिरी हुई हैं, दिख रहा है वो देखो प्लास्टिक की बॉटल है सारी, ये कितनी सारी गिरी हुई है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और वैसे लेके नहीं जाने देते कि प्लास्टिक बनाए, प्लास्टिक नहीं लेके जा सकते, यहाँ पर भी गिरी हुई है। प्यासा मर जाए बंदा, पानी की बॉटल लेके जानी। भाई मुझे तो लग रहा है उतरते उतरते रात हो जाएगी, और अभी तक मैं सिर्फ एक जगह रुका था जहाँ से दूसरी पानी की बोतल ली है मैंने बस, और बैठा तो कहीं भी नहीं हूँ, बस चल ही रहा हूँ। ऊपर से लोग आते हुए मिल रहे हैं, लेकिन जाता हुआ अभी तक एक भी नहीं मिला। अभी जिस साइड पे मैं हूँ ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे से टेम्पल हैं जाते हुए रास्ते में, और बहुत हाइट पे हूँ यार, अभी मैं काफ़ी हाइट पे हूँ भाई। जाते हुए मेरे को सारे दिख रहे हैं, मेरे साथ का आता हुआ कोई नहीं दिख रहा, ऊपर जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा, आते हुए दिख रहे हैं वापस सारे। ऊपर जाके आते हुए भाई शाम हो जाएगी, मेरा दिल था आज फोर्ट भी देखने का कि फोर्ट देख लूँगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हार रही, थोड़ी स्पीड में रखूँ भाई, चलते हैं ऊपर। अब स्पीड बनाने में ना एक ही दिक्कत है, मैं थक जाऊँगा जल्दी। वो देखो इस पर्वत के बिल्कुल बराबर आ गया हूँ मैं, बस पी लिया मैंने पानी, तो पिया है मेरे साथ। पंजाब से दत्तात्रेय जाना है लास्ट तक, हाँ एंड तक जाऊंगा। जय गिरनार, गिरनार पर्वत है भाई, है हम ऊपर तक ही जाके आएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी स्पीड पकड़ ली है मैंने, अब नीचे रुका था भाई के पास पानी की बोतल पूछने के लिए, 100 रुपये का पानी की बोतल। उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगा थोड़ा सा, भाई यार ऐसा करो आप पी लो, पीना है आपने, आप पी के चले जाओ ऐसे ही। मैंने कहा नहीं भाई मेरे पास तो है बोतल, मैं तो जस्ट रेट कन्फर्म कर रहा था, कह रहा हाँ ऊपर तो और भी महंगा है, फिर कह रहा आपके लिए फ्री है कोई बात नहीं, आप एक लोटा निकालो पी लो। मैं कहा नहीं यार भाई थैंक यू, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है बिल्कुल भी। लो भाई पहला तो आ गया, दिन में कोई नहीं पंगा लेता, ये भी छाया में बैठे हैं। हट जाओ भाई, जो रोपवे से आ रहे हैं ना उन्होंने भर दिया पूरा। देखो भाई यहाँ पे ये भी उठाने वाला, उठा सकते हो। और वो नेमिनाथ जी का टेम्पल है, अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, नीचे तो बोल रहे थे अलाउड है, अब ऊपर कह रहे हैं किसी भी टेम्पल में वीडियो अलाउड नहीं है। भाई इस टेम्पल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वीडियो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर, जिस टेम्पल में भी जा रहे हैं वीडियो नहीं अलाउड है। यहाँ पे एक दो बंदे तो मुझसे रास्ता पूछ रहे थे, क्योंकि ये वो वाला पॉइंट आ गया है 5000 वाला, जहाँ से बंदे नीचे को जाते हैं दर्शन करके, जो दोनों टेम्पल है। आधे बंदे मुझसे रास्ता पूछ रहे थे किसी गुफा का, मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम आया मुझे भी नहीं पता है, मैं अब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से तो बना ही सकते हैं। चलो यहाँ पे इतना है, घोड़े खच्चरों पे नहीं हो रही है यात्रा, बंदे कर रहे हैं पैदल कर रहे हैं, या वो जो पालकी लेके जाते हैं वो लेके जाते हैं, लेकिन इनको भी भाई पैसे पूरे नहीं देते लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी। ऐसी ऐसी पालकी होती हैं यहाँ पे। ये भाई आपकी है, कितना लेते हो आप इसका, मुझे जाना नहीं है बस एक आइडिया ले रहा हूँ। ये रोपवे स्टेशन से जैन मंदिर तक 70 किलो का होता है, उसमें लेके 4150, 70 से ऊपर होता है 5150। अच्छा, और लोग वो भी नहीं देते ना, वो भी नहीं देते, रोते हैं, उनको बोला फिर पैदल आके दिखाओ भाई। सही कह रहे हो भैया, बहुत जान लगती है यार, बहुत जान लगती है। हाँ, और एक राउंड ही करते हो गया आप भी, है ना, सही बात है भैया, उसके बाद आपकी कमर भी टूटता है, टांगे भी टूटती हैं भाई। नहीं सच में यार, चढ़ के देखो पता लग जाता है, ये रोज़ नहीं करते हैं, मतलब एक बार जाके आते हैं उसके बाद इनकी कमर पैर की बैंड बज जाती है जो लेके जाते हैं, और दो बंदे लेके जाते हैं 70 से ऊपर वेट होगा। चलो 5000 भी लगा के चलो 2500 पर हेड आ रहा है, तो हफ्ते में 2 राउंड मारते हैं। दे दिया करो यार,
नहीं तो चढ़ के आ जाया करो। ये रोपवे में ठीक है, 600-700 रुपये में आप यहाँ से, आपको ना और भी सारे साथी मिल जाएंगे ऊपर जाने वाले, क्योंकि रोपवे आती है, रोपवे 7 मिनट में पहुँचा देती है। तो रोपवे से वो फिर पैदल पैदल ऊपर जाते हैं। हमारे पीछे देख रहे हो आ रहे हैं काफ़ी, आगे भी काफ़ी जा रहे हैं, तो यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने के लिए मिल जाता है। हाइट भी काफ़ी है ना यार। ओ भाई भाई, अब जो चढ़ाई है ना, ये पूरी खड़ी चढ़ाई है, खतरनाक, फुल खड़ी चढ़ाई है। देखो भाई, अभी इतनी हाइट पे आ गया हूँ मैं, ये मंदिर कितना नीचे दिख रहा है। मैं इस मंदिर पे था, इस मंदिर के बाद यहाँ तक मैं पहुँचाऊँ, यहाँ तक 7,000 स्टेप पूरे हो जाते हैं भाई। वो अब दूसरे पहाड़ तक जाना है यहाँ से। चलो चलते हैं, अब कहीं चढ़ाइए कहीं उतराइए। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए, पता क्यों? क्योंकि अगर अभी सही हो गया ना, तो मेरे को जाते हुए ना मैं रोपवे में चला जाऊँगा, क्योंकि रोपवे में अब जाने के लिए तो नहीं मना करेंगे, एक बार पंगा तो लेके देखूँगा ही। अगर नहीं बोलेंगे भाई, फिर तो नीचे जाना ही पड़ेगा, जैसा भी है फिर तो भाई नीचे से जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इन्होंने जाने दे दिया ना रोपवे में, तो बढ़िया हो जाएगा, अपना जो फोर्ट है वो हो जाएगा कवर आज आज में, वरना दिक्कत बहुत हो जाएगी। ये चढ़ाई तो पूरी है खतरनाक भाई। लिखा हुआ यहाँ पे कूड़ा मत करो, यहाँ पे स्लिपरी है पूरा ये। मेरे को अभी फ़ोन में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि धूप इतनी है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है फ़ोन में। कहते हैं इस पर्वत में 33 कोटि के देवी देवता विराजमान है, यहाँ पे आए हैं ऐसा बोलते हैं। तभी यहाँ से देश विदेश से, बाहर से, सारी जगह से लोग आते हैं। चढ़ते हुए कि राम बाण है, बस बैठना मत, खड़े होके सांस ले लेना, बैठना मत। ये भाई खड़ी चढ़ाई है पूरी। इस डंडे ने बहुत साथ दिया मेरा। ओ भाई साहब, बहुत हाइट है अभी, हाइट देखो भाई, हाइट देख रहे हो कितनी है। सांस नाक से लो लंबा, और छोड़ो मुंह से। दिमाग में ना ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का टेंपल है भाई। चल ही रहा हूँ अभी, दूसरी पहाड़ी पे जाना है अभी। अभी इस पहाड़ी पे गोरखनाथ जी का टेम्पल था, और यमराज जी का, और उसकी पहली वाली पहाड़ी पे सारे जैन मुनियों का। अब भाई ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ बैठे हैं अगली चोटी पे। और पहले भाई नीचे जाना है, देखो वहाँ से फिर ऊपर आना है। मेरे को लगता नहीं मैं रोपवे में टाइम से पहुँच पाऊँगा। चलो जैसी हरी इच्छा, चढ़ ही रहा हूँ, दिख रहा होगा उतर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके चढ़ना ही है उस पहाड़ पे वहाँ तक। ये ना बहुत स्लिपरी है पत्थर, और धूप की शाइन से और ज़्यादा हो जाता है। और 3:30 का टाइम है रोपवे का टिकट मिलने का, और टाइम देखो 1:30 बज रहा है 1:40। देखो मज़ा भी बहुत आ रहा है सच बताऊँ मैं, फील अलग ही है, लेकिन टांगे भी टूटी हुई हैं यार बहुत। इस साइड लोग कम जाते हैं, वहीं तक जाते हैं सारे दर्शन करने के लिए, आगे कम आते हैं। नीचे पहुँच गया, गर्म इतना हो गया, फ़ोन बंद हो रहा है भाई, इतना गर्म हो रखा है, फ़ोन चल ही नहीं रहा है। बीच बीच में ठंडा करके पानी की बोतल के साथ रख के फिर चला रहा हूँ फ़ोन को। हिम्मत चाहिए यहाँ फैने के लिए तो यार भाई पूरा। अभी यहाँ ऊपर जाना है इस पहाड़ी पे, उस पहाड़ी से एक और पहाड़ी उधर से, 3 पहाड़ी क्रॉस कर लिया, 10,000 सीढ़ियाँ टोटल, 10,000 भी हुई नहीं है अभी, जानी है 10,000 होंगी। उसके बाद फिर 5,000 उतर के फिर रोपवे लेके फिर नीचे जाऊँगा, रोपवे अगर मिलेगा तो, क्योंकि 3:30 बजे तक ही है और मेरे को लगता नहीं है मैं आ पाऊँगा। हाँ तो स्पीड खींचूँगा थोड़ी। व्यू तो बहुत अच्छा है यार, व्यू बहुत बढ़िया व्यू है। लो भाई गुरु दत्तात्रेय चरण आ गए हैं, चलते हैं, अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। चढ़ाई देखो यार, नीचे देखो, मैं तो बस धीरे धीरे चल रहा हूँ। इस चढ़ाई में ना बैंड बजी नहीं बोल सकता, लगी पड़ी है, बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ।
मैराथन में देखे अपने खिलाड़ियों का क्या हाल होता है, स्टार्टिंग में तो रेस पहल देते हैं, एंड में क्रॉलिंग करते जाते हैं, बस वही हाल हो रखे भाई। जितना ज़्यादा स्टेप ले रहा हूँ ना मैं फास्ट, उतना ही सांस चढ़ रहा है और टांगें टूट रही हैं। टूटना तो बहुत छोटा वर्ड है, तबाह हो रही हैं टांगें। बाबा इतनी ऊपर बैठना ज़रूरी था यार, इस वक्त दिल नहीं कर रहा मैं वीडियो बनाऊँ, इस वक्त दिल कर रहा है फ़ोन रख दूँ अंदर और फोकस करूँ सिर्फ चलने पर। यहाँ पर भी लोग अपनी मन्नतें वगैरह मानते हैं, देखो बांधे हुए चूड़ियाँ, धागे, चुनरियाँ। अब तो आगे पास ही आगे यार, बस इस मंदिर में तो दर्शन करने दे दें, मतलब वीडियो अलाउ कर दें, आप सब कर पाओगे। किसी मंदिर में वीडियो नहीं बना दिया भाई, किसी में भी नहीं, आप सोच नहीं सकते। ये जो छाया मिली है ना, इसका कितना सारा है, ये वाला 5-10 सीढ़ियों की छाया, बहुत सारा है। और आँखें मेरी इसलिए बंद है क्योंकि मेरे ना पसीने मेरी आँख में चला गया, मैं साफ़ कर रहा था, बहुत रड़क रही है आँख। बोल बम वाह भाई, अच्छा लगा यार यहाँ पे, दिल कर रहा है यहीं लेट जाऊँ, लेकिन बैठूँगा भी नहीं, बैठ गया ना शरीर जवाब दे देगा। वाह यार, ठंडी ठंडी हवा आई, मज़ा आ गया। बस अब मुश्किल से मुश्किल 100 या 150 स्टेप और होंगे, वही चढ़ने को नहीं हो रहे हैं, वही नहीं चढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे आके आता है कि व्यू पॉइंट, अभी मुझे ना व्यू तो दिख ही नहीं रहा है। अगर हाँ मैं रोपवे से आया होता तो शायद लगता मेरे को, मैं दिखाता आपको, वाह व्यू देखो यार, अभी अभी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा व्यू, तो बस अच्छा लग रहा है, हवा लग रही है ना थोड़ी सी तो अच्छा लग रहा है। सीढ़ियों देखो भाई, वो देखो वाला टेम्पल, यहाँ से बस थोड़ा सा ही रह गया और 50 सीढ़ियाँ रह गई और ओ भाई। चप्पल चप्पल ही उतारनी ही उतार देता हूँ मैं, पहुँच गया बस। लो भाई, ओए होए पैर तपर हैं अब तो, हाइट देखो हाइट देखो। और यहाँ फोटो वीडियो नहीं बना सकते भाई बिल्कुल भी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है फोटो और वीडियो निकालना सख्त मना है। तो ठीक है मैं ही दर्शन करके आता हूँ, मैं यहीं से कर रहा हूँ नीचे भाई, ऊपर तो अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। ये बहुत ज़बरदस्त दर्शन थे यार, बहुत ही ज़बरदस्त दर्शन थे, और मैं इस पहाड़ी की चोटी पे हूँ इस वक्त, रुकने का दिल तो हो रहा है लेकिन रुकूंगा नहीं। टाइम देखो 2:15 हो गए हैं, 3:30 से पहले पहले पहुँचना है मेरे को, 5,000 सीढ़ियाँ पार करनी है तभी मैं रोपवे में पहुँच पाऊँगा। ओह 10,000 सीढ़ी भाई कंप्लीट हो चुकी है, मैंने कोई गिनी नहीं है, जो बोलते हैं वही, बस रोपवे में जाने देते हैं यार, मना ना करें जाने के लिए अब। ओ भाई भाई पानी और है भी नहीं, लेके नहीं आया पानी और। चलो जितना चाहिए था उतना तो पी लिया, चल भाई भागो, वैसे तो मज़ा भी पड़ी है लेकिन मज़ा पीने का दिल नहीं है अब, खाली पैकेट इसका यहाँ थोड़ी फेंकूँगा मैं, चलता हूँ भाई। चलो भाई नीचे, देखो भाई आप लोगों को कितना प्यारा व्यू दिख रहा होगा ना यहाँ पे टेंपल, ये व्यू सच में ही बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। मैं अभी इसका लुफ्त नहीं उठा पा रहा क्योंकि मेरे शरीर की बजी बड़ी है, आप लोग तो उठाओ यार, ये देखो कितना प्यारा व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू है यार। अभी यहाँ से उतराई है फिर अगले पहाड़ पे चढ़ाई है, ये ना सीढ़ियाँ थोड़ी सी स्लिपरी हैं, वो हवा ले ली जाए दोबारा से। आह यार ठंडी हवा आ रही है, लग रहा कूलर वाली हवा नहीं आती,
वाली हमारी यहाँ से। वाह चलो टाइम नहीं है अपने पास निकलने नीचे। क्या भैया यार ये सही, मेरा दिल कर रहा था वहाँ पे ऐसे लेटने का। है मजा आता है ना भाई, बहुत मजा आता है भाई। मेरा तो एक्चुअली नीचे जाना है यार, उधर रोप वे ना बंद हो जाएगा फिर 3:30 बजे। टोकन लेना है। हाँ बोला है। अरे चलता है, जो अभी गए हैं उनके लिए चलता है, मैं आया नहीं हूँ, मैं पैदल आया हूँ तो मेरे को जाना, टिकट बंद हो जाएगा तो पता नहीं मुझे जाने भी देंगे नहीं देंगे, तो इसलिए मेरे को भागना है अभी। ठीक है भैया आप रेस्ट करो आराम से, असली मजे तो भैया ले रहे हैं भाई अंदर बैठ के। उतरते हुए ना भाई कभी भी पैर स्लिप हो सकता है, इसलिए हमेशा टेढ़े उतरना है ऐसे करके, स्लिपरी है ना सीढ़ियाँ, ऐसे उतरना है हमेशा ऐसे उतरते हुए पहाड़ों से, कभी भी ऐसे उतरो तो कभी भी आपका पैर स्लिप नहीं होगा। हाँ अगर सीधे चलोगे ना तो स्लिप होने का चांसेस 100% है। देखो सीधा उतरना इसलिए टेढ़ा, फिसलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। बस हिम्मत करके चली जा रहा हूँ, बोल बम चली जा रहा हूँ बस। व्यू देखो आप, हरे कृष्ण माता जी को। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, मेरे मैंने खुद ये देखो एक बड़ा वो है, खाली बड़ा है बिल्कुल, नहीं मैं दे देता। माता जी फ्रूटी भी ना, फ्रूटी बड़ा है मेरे पास, दो है एक दे देता हूँ आपको। अरे माता पैसा तो आप इनको दे दो, खाली पड़ा देखो, ये लो माता जी को दे देना आप। ठीक है आपको चाहिए? ठीक है ठीक है, माता जी को पिलाओ आप। अब यार यहाँ पे ना पानी भी नहीं है कहीं नज़दीक है, तो अच्छा हुआ मैंने दो फ्रूटी ले रखी थी, माता को प्यास लग रही थी, पानी तो है नहीं मेरे पास ना फ्रूटी है, कह रहे अपने पीना होगा, मैंने कहा दो है मेरे पास। देखो एक पर्वत से तो उतर गया नीचे, अब दूसरे पर्वत पे चढ़ना है ऊपर वहाँ तक, फिर नीचे उतरना फिर चढ़ना, ऐसे चलता रहेगा भाई सिलसिला, फिर रोप वे आ जाएगा, रोप वे तक पहुँचना है। गिनी चुनी सीढ़ी आती है ना तो निकल जाती है, जब ऐसे कंटिन्यू आती है ना तब देख के ही घबराहट होती है भाई। व्यू देखो यार, हाँ गिरनार पर्वत का मैंने डाला स्पेशल। अच्छा, अब देखो मुझे भी रोपवे तक पहुंचना है 3:30 तक। मुझे भी जाना है रोपवे तक। हिम्मत करो माता पहुंच जाओगे। माता कह रहे कितनी दूर है, मैंने कहा भाई बस थोड़ी सी दूरी है। मेरा भी उम्र तो कितना है मालूम है? हाँ 75 साल पूरा है मेरा। 75? हाँ 75 है। सोचो आप, फिर भी आप हिम्मत कर रहे हो, हम जैसों की बैंड बजी पड़ी है, मेरी टांगे ऐसे ऐसे हो रही हैं, हिम्मत नहीं है मेरे में। मेरे पास एक क्रीम है, मैंने वो लगा के ऊपर आ गई। अच्छा हाँ ठीक है, बाम वाली। तो आ गई इधर तक, अभी मैं पुणे में छिंचोट में रहती हूँ। अच्छा पुणे में रहते हो? बेटी बेटे। नहीं बढ़िया बढ़िया, जाना है तो जाना है। नहीं अच्छी बात है माता, वो होगा वो होगा, सही बात है। उधर तक तो मेरी भी हिम्मत टूट गई थी, मैंने कहा यार अभी और 2000 सीढ़ियां हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं जो होगा देखा जाएगा, चल तू। फिर मैं चल गया, कोई बात नहीं। लेके जाने वाला ऊपर हाँ, बैठा हुआ है वो, ज्यादा ही ऊपर बैठा है। हाँ, इतने ऊपर नहीं बैठना चाहिए। नहीं, वो लेके जाता है। हाँ वो खुद ही लेके जाते हैं, तो नीचे भी पहुंचेगा अपने आप। हाँ, सही बात है, हिम्मत करो आप थोड़ा सा, आ जाओ आराम से, है ना। आपका कूपन है, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को 3:30 तक पहुंचना है। हाँ, मुझे भी जाना है। हाँ इसलिए ठीक है माता जी, पसीने ना आंखों में आ रहे। ये देखो भाई फिर चढ़ाई, कोई बात नहीं अभी तो थोड़ा सा रुका था, मैं आंखें बंद करके चढ़ रहा हूँ, मैं आंखें बंद है मेरी, मैं खोल नहीं रहा, पसीने आ गए आंखों में दोबारा से। पता सबको है कितनी दूर है, लेकिन फिर भी एक ना आसरे के लिए पूछते हैं भाई कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है, फिर एक दूसरे को हौसला देना पड़ता है कि बस थोड़ी सी दूर और, थोड़ी सी दूर और, थोड़ी सी दूर और। चढ़ाई देखो भाई, 75 ईयर्स की माता जी हैं यार, और हम कहाँ हिम्मत हारे बैठे हैं अभी से। ओ भाई इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद मेरे को लगा अभी तो ख़त्म हो जाएगी, अभी हो रहा है, अभी दिल पता क्या कर रहा है, मैं यहीं पे लेट जाऊँ, चाहे धूप है मैं धूप में ही लेट जाऊँ। पसीने ना टपक टपक के आंखों में आ रहे हैं। 3 हो गए भाई, सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, मैं कितनी स्पीड पकड़ूँ, शरीर में जान भी नहीं है यार इतनी स्पीड पकड़ने की, वहाँ जाके भी फाइनल नहीं है कि मेरे को लेके ही जाएंगे। व्यू देखो
बस पहुंचने वाले हैं, बस एक तरह से आ गए यहाँ पे, यहाँ पानी मिल जाएगा। जाते हुए आ गया महाराज जी का टेम्पल, निकल रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे भी वीडियो बनाना सख्त मना है, लेकिन निकल गया, बना ली थोड़ी सी। हाँ देखो ऐसा रास्ता सीधा जाना है। ये भी मैं दूसरे पहाड़ पे हूँ, पहला पहाड़ आ गया अभी, पहला पहाड़ आ गया अभी, दूसरे पहाड़ पे हूँ। बोल बम यार, यहाँ पे पीता हूँ कुछ और नींबू पानी, नींबू पानी पीता हूँ भाई। यहाँ पे प्यास लग रही है भैया, नींबू पानी, थोड़ी जान आए शरीर में यार। ठीक है भैया, चलो भैया ठीक है, धन्यवाद। ओ भाई, भैया ने पिला दिया, मज़ा आ गया भाई, पी के जान सी आ गई अंदर। भैया कह रहे तो 10 मिनट में पहुँच जाओगे, बात तो सही कह रहे हो, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। वहाँ तक जाना, देखो अभी वहाँ तक, ओ वहाँ तक, और सीढ़ियाँ देखो कितनी हैं बीच में, वहाँ पे रोप वे है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा गिम्बल है ना, इसको मैं बैग में डाल दूँगा। भैया ने आइडिया तो सही दे दिया कि इसको बैग में डाल दूँगा। यार मैं ना वो फिर ये चलाकी ना करता नहीं, मैं टेढ़ा ही उतरना, देखना बेटर ग्रिप बनती है, और कैसे ना पैर बिल्कुल पकड़ बना लेते हैं शूज़ आपके ना, कभी इधर से कभी ऐसे टेढ़ा उतरना। इस वक्त तो ना मेरे अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। लोग रात को भाई 2:30 बजे आ जाते हैं यहाँ पे, अंधेरे अंधेरे में चढ़ाई कर देते हैं ठंड ठंड में। बट कोई बात नहीं यार, ठीक है, बढ़िया है, धूप में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, थकता है शरीर, टूटता है यार, कोई बात नहीं, बढ़िया है। देखो अब थोड़ा सा ट्रैक आएगा हल्का सा, बढ़िया वाला, आसपास में व्यू। ओए होए क्या बात है, ये नींबू पानी की एनर्जी बोल रही है अभी। मैंने एक चीज़ देखी है, दिमाग में ना कुछ भी हावी मत होने दो। अगर मैं दिमाग में रखता ना कि मैं थक गया हूँ, आपको पता अभी तक मैं बैठा नहीं हूँ बिल्कुल भी, सांस भी लिया है, दम लिया मैंने खड़े होके, बैठा नहीं हूँ, क्योंकि बैठ के ना शरीर टूट जाता है। और दिमाग में ये भी नहीं लेके आया कि नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको ध्यान है, मतलब मिल्खा सिंह जी बताते हैं, कह रहे मैं ना 3 रेसें वो जीते थे, और चौथी रेस में वो फोर्थ क्यों आए, वो कह रहे जब मैं रेस कर रहा था ना, तब मुझसे, मैं सबसे आगे था, कर सबसे आगे था, कह रहे जो मेरे ओपोनेंट थे ना, मेरी 6th लेन थी, उन्होंने बताया था, मेरी 6th लेन थी, मैं उनके इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहे मेरी 6th लेन थी, और कह रहे मैं सबसे आगे दौड़ रहा था। कह रहे एक सेकंड के लिए ना, बस एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में ये आ गया कि जो मेरे उस साइड पे दौड़ रहे हैं ना, वो तो बहुत अच्छा स्प्रिंटर है, और वो अभी स्लो दौड़ रहा है, लास्ट में बहुत तेज़ दौड़ेगा, वो जीत सकता है मुझसे। कह रहे बस उतने, मतलब कुछ ही सेकंड के लिए आया, और मेरे शरीर ने ना मेरा साथ देना छोड़ दिया, मेरे कदम जो तेज़ चल रहे थे ना, वो अपने भी स्लो हो गए। और कह रहे जिसको मैंने कितने कदमों से पीछे छोड़ा हुआ था ना, उसने मेरे को पता नहीं काफ़ी 2-3 फीट आगे चला गया मेरे से, कह रहे इसलिए मैं फोर्थ आ गया। तो यार सीख ले लेनी चाहिए कि दिमाग पे नहीं हावी होने देना कोई भी चीज़ को, कुछ भी हो चाहे। नज़ारे भी देखो भाई, वाह यार व्यू है। लो भाई वहाँ से चढ़ाई उतराई, फिर चढ़ाई, वाह की ये तो कंप्लीट हो गई है। टाइम देखो अभी 3 ही बजे, पहुँच जाऊँगा सही टाइम पे, बस यहीं पे आने वाला। रोप वे आ गया भाई, रोप वे आ गया, पहुँच गया 3:30 से पहले ही पहुँच गया, खींच दी थी थोड़ी स्पीड तो, ऊपर से चलते हैं नीचे पूछ के आते हैं, जाने देंगे नहीं जाने देंगे। अब मैं ना गिम्बल उतार लेता हूँ यार, है ना। ठीक है भैया, थैंक यू, हाँ निकालना, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, हाँ हाँ निकाल, हाँ हाँ जी, ये लो। हेलो हेलो भाई, पहुँच गया रोपवे में, पहुँच गया हूँ, सारी बात बताता हूँ, क्या रोपवे का भी नज़ारा दिखाऊंगा भाई आपको। टिकट मिला है 400 रुपये का रोपवे भाई। ओ अब बैठा हूँ यार, अब बैठा चलने के बाद, बुरा याद हो गया, अब यहाँ से नीचे चली जाएगी। देखो भाई सेल्फी स्टिक तो है मेरे पास, उन्होंने लेकिन बंदे बाहर वाले ने बोल दिया, जिसने टिकट दी थी ना, कह रहा चलो मैं अंदर छोड़ के आ जाता हूँ, वरना जाने नहीं देंगे, आप भी सेल्फी स्टिक रख लेंगे। उन्होंने निकाल नहीं, कह रहे रास्ते में मत निकाला, मैंने कहा ठीक है नहीं निकालता। चलो आप रोपवे का भी एक नज़ारा मिल जाएगा, पता लग जाएगा। अच्छा यहाँ से दिक्कत होती है उनको, यहाँ से निकाल लेते हैं सेल्फी स्टिक, इसलिए वो आने नहीं देते सेल्फी स्टिक साथ में। देखो सीढ़ियाँ नीचे, यहाँ से गया था पैदल में। चलो भाई सही है, 3:05 बजे निकले यहाँ से, और 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। अब आगे भी जो कवर करना है फोर्ट वगैरह, वो भी कवर हो जाएगा आराम से, काफ़ी ऊपर से आए हैं यार देखो।
काफी ऊपर से देखो यहाँ से आए, बस ये दिक्कत होती है यहाँ से सेल्फी स्टिक से ना ऐसे हाथ निकाल लेते हैं बाहर, इसलिए नहीं आने देते। बस भाई ये ना 5000 स्टेप कवर करवा देती है रोप वे, बस थोड़ा सा होता है क्या, मेरे को लग रहा है 7 मिनट गया पूरे रोप वे, 7 से 8 मिनट का होगा। चलो भाई ओ भाई उतार दिया, यहाँ पे आ गया ये। चलो भाई रोपवे से तो निकल गए, जाने वाली है इसकी। चलो भाई काट काट के दिखाओ, हाँ क्या बात है, वो स्टाइल से काटा भाई। लाओ दो नारियल पानी पी लेना चाहिए भाई। जा रहा हूँ भाई मैं फोर्ट के लिए, अब भैया से पूछा मैंने नारियल वाले भैया से, कह रहा भाई 4 बजे एंट्री बंद कर देगा। अब देखो टाइम है 3:30, अब 4 बजे उसके लिए भागो फटाफट। चलो कोई बात नहीं, फोर्ट देखते हैं, ऑटो वाले से बात करते हैं क्या सिस्टम होता है। और माइक अभी मैंने ये लगाया तो हुआ है, आवाज़ नहीं आ रही होगी माइक की आपको, क्योंकि मैंने माइक ना बिल्कुल उसकी बैटरी डेड हो गई थी, वो चार्ज पे लगा दी है इसमें, तो बस अभी होगी होगी इतनी तो बढ़िया हो गया होगा, 5 मिनट में बढ़िया कर देता है। ऑटो में बैठ के फिर निकालता हूँ, फोर्ट चलते हैं, आपको फोर्ट भी दिखाता हूँ क्योंकि कल मैंने यहाँ से निकल जाना है। बाकी की आगे की डिटेल कल की डिटेल होटल पहुँच के देता हूँ। अभी पहुँच गया फोर्ट पे, टाइम देखो 15 मिनट बचे हैं अभी। ये एंट्री है इसकी, पता नहीं टिकट टुकट लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं कुछ। मोबाइल ला दिया भैया, टिकट वगैरह अंदर नहीं लगा। बीड़ी सिगरेट, बीड़ी तो मेरे ना पी नहीं आज, इसमें इसमें तो मेरा जर्दा जुर्दा तो मैंने आज पाया नहीं कुछ, बीड़ी बीड़ी पी नहीं भाई। ग्रीन स्क्रीन पे फोटो खेल गई अभी क्लिक, कह रहे देख के जाना लेने की बात नहीं है। लो भाई मोबाइल तो टूटी पड़ी है ऊपर से पर्वत से उतरते हुए। अच्छा ये है, ये आपका नंबर है फोटो का, रिटर्न आते आने के बाद वहाँ पे काउंटर पे आप देख सकते हैं, अच्छा लगे तो आपको परचेज करना है वरना नहीं करना। माइक लगा लूँ भाई, माइक में आवाज़ बेकार आ रही होगी ना भाई। एंट्री होगी अपने, यहाँ फोटो वगैरह सेशन हुआ है, उन्होंने बोला है पसंद आएगा तो ले लेना वरना देख लेना फोटो यहाँ से। और टाइम देखो 4 बजे से पहले मैं फोर्ट में पहुँच गया भाई, बहुत रफ्तार से किया मैंने आज गिरनार पर्वत पे अप डाउन। फोटो वगैरह ये यहाँ पे लो स्टार्ट हो गया। मैंने ना बाहर जहाँ से टिकट ली, हाँ टिकट का भी सच बता दूँ आपको, टिकट पर पर्सन 100 रुपये की टिकट है, और अगर लोकल आईडी है उसकी 50 रुपये आईडी के साथ। लेकिन ये देख लो, मैंने कहा मैम मैं वीडियो बना सकता हूँ, कह रहे हाँ हाँ लेकिन यहाँ की नहीं। मैंने कहा मैं आपके क्यों बनाऊँगा अंदर, कह रहे नहीं कुछ आते ना अंदर कैमरा कर देते। मैंने कहा नहीं हम नहीं ऐसा करेंगे। ये देखो भाई स्टार्ट हो गया, मैं अभी ऑटो में बैठ के आया ना, उसके बाद टांगे उतरने के बाद जान नहीं रही टांगों में, यहाँ से जाना है यहाँ से जाना है। मैम कहाँ से जाना है, इधर से, इधर से जाना है भाई, पूछ लेना चाहिए बेटर रहता है। मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था फोर्ट्स वगैरह ना थोड़ी अट्रैक्शन लगते हैं मेरे को अच्छा लगता है ये चीज़, पुरानी पुरानी चीज़ें देखना, तो मैं आ जाता हूँ। ये उस टाइम का दरवाज़ा था, इन्होंने उतार के नया लगा दिया होगा, लकड़ गल गई। मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया मैंने कहा मेन चीज़ देखना है, मैं अंदर कमरे कह रहे यार बस यही है मेन, कह रहे यही मेन है भाई, देख लो ये सारी चीज़ें, ये तोप देख लो, ये थोड़ी मीडियम सी तोप है, वो सबसे बड़ी तोप है, बस यही है भाई, ये सबसे छोटी तोप है, यहाँ पे बच्चे बैठ के झूल सकते हैं। ये तो भाई बहुत ही बड़ी तोप है, सारा टहल लो ये ऐसा ही है। और ये है मेन रानी का महल, और वो कह रहे भैया कह रहे अंदर भी बस दीवारें ही हैं। मैंने कहा चलो देख तो लेता हूँ दीवारें, कुछ तो दिखेगा पीछे से जाके, रानी भाई यहाँ पे खड़ी होती होगी यहाँ पे। भाई मैं सच बताऊँ इसकी तारीफ मैंने इतनी सुनी थी ना लोगों से जहाँ पे मैं होटल में रुका हूँ उनसे, कि भाई देख के आना फोर्ट देख के आना आप, बड़ा ज़बरदस्त फोर्ट है भाई। मैं इतना तो चल दिया, अब और कितना चलूँ मैं इसमें, अंदर देखता हूँ मैं, अब ऐसे घूम के फिर अंदर जाएंगे, अंदर देखता हूँ कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा भाई। अभी तो मैं पूरा परिक्रमा करके इसकी अब यहाँ से जा रहा हूँ आगे, अभी भी आगे मेन बीच में होल है उसमें जाएंगे, उधर देखते हैं कैसी दीवारें हैं। चली जा रहा हूँ यहाँ पे भी मैं, उस पर्वत से आया हूँ मैं, पेड़ गिरने को हो रहे हैं ऊपर फोर्ट के अंदर, अभी भी चलना ही है थोड़ा सा। मैंने क्यों पंगा ले लिया फोर्ट का, मुझे लगा सीधा चलो अंदर कर बढ़िया दिखा देंगे अंदर,
ये तो इतना घुमा दिया इन्होंने। चलो देखते हैं अभी भी आस है कुछ अच्छा होगा अंदर। भाई इतना घूमना फिरना नहीं, मेन चीज बताओ अंदर अंदर यहाँ से जाना है महल ना। हाँ अंदर है ना, इतना क्यों घुमाना फिराना है। अभी और भी घूमना था भाई, यहाँ पे भी घूमना था सारा, उधर तो घूमना ही था बाहर, मैं घूमा ही नहीं। मेन अंदर दिखाओ यार, मेन चीज़ तो अंदर। मैं पहले ही चला जाता यहाँ पे यार, मैं वहाँ क्यों चला गया यार। ये देख के थोड़ा अच्छा लग रहा, बढ़िया भाई। ये है एंट्रेंस, यहाँ से आया हूँ मैं, यहाँ से एंट्रेंस हुई है। अब ये देख के अच्छा, 2021-22 में इधर थोड़ा काम किया था, रेनोवेशन की थी, तो उसके दौरान कुछ मिले ना, कुछ मंदिरों के पीस मिले हैं, टूटे हुए कुछ भी अवशेष मिले हैं, तो वो रखे हुए हैं यहाँ पे। अभी भी काम चल रहा है ये देखो। लेकिन महल कहाँ है, मुझे महल देखना है यार। ये तो ऊपर आ गया मैं, ये ऊपर, ये तो हो गया ना, नीचे सारा हो गया। अब यहाँ जाना है। ओ भाई अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यार इतने खंभे क्यों थे, इतने सारे खंभे। ऐसा बहुत खंभे हैं यार, वो फोटोज लगा रखी हैं भाई अंदर ना, इन्होंने फोटोज वगैरह लगा रखी हैं। बहुत बढ़िया काम तो बढ़िया किया हुआ है भाई। देखो पहले ऐसे थे तोपों के आगे घास घूस, फिर उसके बाद ऐसा कर रहे किया काम, अब ऐसा हो गया। आपको दिखाता हूँ काम, मतलब सारा बढ़िया किया हुआ है, तभी कुछ कुछ इधर गंदगी नहीं फैली हुई। देखो पहले ऐसा था, फिर उन्होंने काम किया सारा, फिर अब ऐसा हो गया। और ये जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर 3 डोम, पहले ऐसे थे, फिर काम ऐसे चला, फिर अब ऐसे दिखते हैं ऊपर से। ये देखो सारा बिफोर आफ्टर बता रखा है पूरा। ये भी मेरे को सबसे सही एक चीज़ लगी है, वो अनाज भरने वाली जगह जहाँ पे अनाज भरते थे, वो बिफोर आफ्टर, पहले ऐसे कितनी गंदगी फैली हुई थी, फिर काम है चला, फिर ऐसा हो गया। हाँ यार बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर काम तो किया हुआ है। इनलेट टावर ऐसा तो पहले कुछ ज़्यादा ही ग्रीनरी थी ये करके। ये रहा भाई देखो अनाज भरने वाला, अनाज भंडार, पहले ऐसा था यहाँ पे अनाज रखते थे सारा कुछ, फिर इन्होंने ऐसा सेटिंग की, फिर ऐसा बना दिया ऊपर, शीशे रख पा दिए ऊपर। काम तो किया भाई, अलग ही थे भाई राजमहल भी। चलो कुछ तो देखने को मिला, चाहे खंभे ही मिले हैं। यहाँ पे भाई शूट भी होते हैं, फोटोग्राफर रखे हैं शूट वगैरह करने के लिए, शादी के प्री वेडिंग शूट। लेकिन हम जा रहे हैं बाहर भाई, 100 रुपये में इतना ही दिखेगा, मतलब अपनी अपनी चॉइस है, मेरे को बस 100-100 लगा, ठीक ठाक है बस। मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ यार कहाँ रहते थे राजा लोग, होता है ना यार सबके अंदर होगा, रानी लोग कहाँ रहते थे, कहाँ वहाँ की उनकी सभा लगती थी, कैसे उनके मतलब एक फ़ोटोज़ कैसे बैठते थे, वो चीज़ें, ये चीज़ें अलग है। ये वो फोर्ट नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा लगता है मेरे को राजे महाराजे ना बस पिकनिक करने आते होंगे एक दो दिन के लिए, क्योंकि है ही नहीं कुछ, एक दो दिन के लिए भी नहीं, एक रात भी नहीं स्पेंड करते होंगे यहाँ पे, तो कमरा ही नहीं कोई, अनाज रखा होता है यहाँ पे, अनाज वाला होगा सिस्टम, बस जंगल है इधर भी और इधर भी। भाई मिले इनको भी ऐसे ही लगा, कह रहे क्या है ये भाई, कुछ इतना खास तो नहीं है, इनका बस भाई यही है जो है। मैं नहीं जाऊँगा ऊपर जाके वहाँ पे, मेरे को पता है खुला आसमान होगा, पता लग गया मुझे, बस एग्जिट करो। फोटो दिखाएंगे यहाँ पे जो हमारी खींची थी ना, वो वाली फ़ोटो दिखाएंगे, दिखाता हूँ आपको भी कैसी होगी फ़ोटो वो वाली, यहाँ दिखाएंगे। इनको टिकट दिखानी पड़ेगी, आपका नंबर ये है फ़ोटो, अच्छा ये है मेरी फ़ोटो बता दियो तो मैंने। भाई लेने भी नहीं देते ऐसे फ़ोटो, वो कह रहे भाई पैसों की है। बस ये चीज़ थोड़ी अच्छी लग रही है, ओपन फोटो है, ये भी ओपन फोटो ही है यार, कहीं होंगे ऐसे किले, किसी को पता है ऐसा फोर्ट होगा जहाँ पे यार प्रॉपर फोर्ट हो जो। भाई कह रहे इतनी जल्दी आप जाके भी आ गए, फोर्ट देख के भी आ गए। मैंने कहा और क्या करते भाई,
दो मिनट लगाए फोर्ट देखने के लिए मैंने भाई, फोर्ट देख लिया। अब मैं नींबू पानी पी रहा हूँ, नींबू पानी भाई, नींबू पानी तो पी लिया। फिर मेरे को याद है मैंने सुसु तो किया ही नहीं, भरा बैठूँ अंदर में, है ना। चलो फटाफट होटल चलते हैं, अभी यहाँ से ऑटो करते हैं। यहाँ भाई टैक्सी टुक्सी कुछ नहीं चलता कि बंदा बुक करवाए फटाफट चल जाए, नहीं ऑटो वाले से बात करनी पड़ती है। चलो भाई कर लिया ऑटो, यहाँ से निकल रहे हैं हम अपने स्टेशन के लिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा मेरे को होटल जाना, मैं बोलता हूँ स्टेशन जाना, कि स्टेशन के साथ में तो होटल है, तो इसलिए यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर ही है। देखो भाई यहाँ से निकला हूँ, यही है मेन गेट आने जाने का। चलो भाई बस यहीं छोड़ोगे ना, अभी घंटा बजने वाला है, 5 घंटे बजेंगे देखना, 5 बजे पूरे। आज भाई थक गया, अब नहा धो के ना बस एडिटिंग के लिए बैठ जाऊंगा मैं। गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी है, सो मच गर्मी, खतरनाक गर्मी है भाई। भाई भाई से पूछा, भाई कह रहा आज इतने दिन में कभी गर्मी नहीं हुई, आज ज़्यादा गर्मी है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे लिए दिन लिखा हुआ था स्पेशल कि आज साहिब ने आना है और जाना है जूनागढ़। मैं अभी रूम में पहुँच गया। चल भाई, हो भाई ओनो, अब दिमाग में बैठ गया मेरे कि कौन सा प्लग कहाँ पे, हाँ कर दिया भाई, साफ सुथरा करके चले गए। तो देखो वहाँ गया था भाई मैं, अभी ये वहाँ पे वो रोप वे है, ये पहला पहाड़ है, उसके पीछे दूसरा पहाड़ है, उसके पीछे तीसरा पहाड़ है, वहाँ गया था। रेस्ट नहीं करनी, बेड देख के रेस्ट मांगता शरीर, ना 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 ना, हुण वीरे भन्ना है, नहान तो बाद एडिट करना है, 3 घंटे वो चला के जाने वीरे। तो चलो भाई नहा के एडिट करूँ, एंड करूँगा व्लॉग का, यार पता लग जाए आपको कि मैं नहाया था। तो चलो भाई व्लॉग को समाप्त यहीं पे करते हैं, मैं नहा धो के एडिटिंग के लिए बैठ गया, बस इसलिए मैंने कहा आपको गुड बाय भी बोल दूं, और आज का जूनागढ़ में बस ये लास्ट रात है मेरी, कल मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो भाई कल निकल जाऊंगा मैं यहाँ से वापी के लिए, स्टेशन सामने ही है, सुबह 12:00 की ट्रेन है मेरी, यहाँ से वापी निकल जाऊंगा। उसके बाद मेरे को जाना है बस लेके नासिक, उसके अगले दिन नासिक जाना है। तो भाई फिर अब महाराष्ट्र में मुलाकात होगी आपसे, तो बने रहना यार इस सीरीज में। मैं चला हूँ, मैं सफर में निकला हूँ एक तरह से, सारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं, जो जो अच्छी चीजें आ रही हैं वो भी जाके आता हूँ। शरीर ऐसा टूट चुका है ना भाई मेरे अंदर, सच में शरीर में ऐसी हिम्मत नहीं बची कि मैं अब व्लॉग भी बना लूं। आवाज भी मेरी बैठ गई ना, क्योंकि नींद मांग रहा है शरीर भाई। अब टाइम भी देखो 10 बज गए हैं, तो 11 बजे जाके सोऊंगा मैं, 11-12 बजे, फिर 11-12 बज जाएंगे मेरे को सोते हुए, एडिट करना उसके बाद टाइम तो लग ही जाएगा भाई। तो चलो व्लॉग का एंड यहीं पे करता हूँ मैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज मेरी मोटिवेशन के लिए करते रहना जितना हो सके यार, प्लीज करो यार, मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, इसलिए मैं करता हूँ यार ब्लॉगिंग। बस आपका फर्ज बनता है कि देखो वीडियो देखते हो आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। कल सुबह सुबह मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, ब्रेकफास्ट लूंगा उसके बाद निकल जाऊंगा।